आज मैं आया हूँ ग्राम पंचायत पंडराली और मेरे साथ है सरपंच प्रतिनिधि के राम जी। तो इनसे सरपंच साहब के मैं विकास के बारे में बात करूंगा। सरपंच साहब, अपने गांव में क्या क्या विकास हुआ है? अपने गांव के अंदर तो पहले शुरुआत में एक डम्बर रोड हुए थे, वो डम्बर रोड हुआ था 2021 में। उनके बाद में ग्रेवल रोड भी हुआ है, दो तीन हमारे कार्यकाल में चार पाँच रोड हुए हैं। उनके बाद में बेरियो टोका लगभग 200-250 हो चुका है। और दूसरे हमारे सेवा केंद्र के लिए उप स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पांडरवाली में एक बना हुआ है, उसमें नर्स भी लगी हुई है। एक हमारे यह कमरा बना है उप स्वास्थ्य केंद्र के पास में, ये भी ये बाद में लगे हुए 2023 में। एक हमारे पानी की जो है नहीं आरे प्लान भी लगा हुआ है। और हमारे एक स्कूल के रास्ते सामने ही बना हुआ है, इनके लिए मैं करता हूँ। सरपंच साहब, अपने गांव में कोई रास्ता कटौन नहीं है, रास्ता की जगह जगह रोडें नहीं है, रास्ता की समस्या है, कहाँ पर समस्या बताइए। एक तो हमारे स्कूल में एक हमारे दासोरिया से गीड़ा वहाँ तक रोड नहीं है, ये रोड की पूरी हमारी मांग है और पूरी करवाएंगे। सरपंच साहब, रोड में क्या है, लोग जमीन नहीं दे रहे हैं या सरकार से कोई डामरकरण या मोरडा वगैरह नहीं मिला, क्या तकलीफ क्या आ रही है? जमीन का तो अभी तक तो किसी ने ना नहीं दिए है, पर जो अगर जो ये गीड़ा से जो नवापुरा रोड है नहीं, इनमें कोई अभी तक बना नहीं कि कोई सेक्शन हुआ ही नहीं है। जो मन्नत कौन करे, जो आवे तो पसेला पता लागे जो किसके कटौन नहीं है, मना करता है। मना भी जाटों के खेत में है हुआ, जाट मना करता नहीं है, मुसलमान भी मना नहीं करता है। दो खेत रबरी है, वो कर दे तो आवे तो पता लागे भाई वो करे है नहीं करे मना। आपका कहना है भाई गवर्नमेंट से सेक्शन होती है तो मना जमीन का कोई नहीं करेगा, ये कहना है? और अपने गांव में जैसे सीमावर्ती इलाका लगता है तो प्रत्येक गांव में घर घर लाइट कनेक्शन है क्या? कई आज भी अंधेरे में लोग बैठे है, कम से कम 300 कनेक्शन बाकी है साहब। 300 बाकी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं तो घर घर दीनदयाल में घर घर कनेक्शन कर दिया, तो अपना गाँव वंचित कैसे? हमारे गांव में पहले लगभग 250 कनेक्शन दिए थे 2022 में, जिनके बाद में कोई हमारा सेक्शन निकाला ही नहीं। कि चाहता था कि मैं दे दूँ तो दिया ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं अभी तक। पर एक लिया है लगभग हो एक डिमोन लिया है, वो हमें शुरू हुई है भवरिया का हुई है, हमारे पांडरवाली में नहीं हुई। आपके ग्राम पंचायत में 300 से और मतलब 300-250 लोग आज भी अंधेरे में बैठे हैं, ये कंप्लेंट है अपने गांव में? हाँ, लगभग 300 लोग अंधेरे में बैठे हैं बिल्कुल। और कई लाइट है उनके सरपंच साहब गांव में कनेक्शन है उनके, जैसे एग्रीकल्चर खेती में किसान करते हैं, उनकी सबके लाइट टाइम आता है कि दिक्कत रहती है? ना, लाइट तो आती है टाइम आते तो है, उसकी तो आती है। आप कह रहे थोड़ा दिक्कत रहता है, 4 घंटे देती है, 6 घंटे होती है, 4 घंटे देती है, ये थोड़ा कम। हाँ, ये थोड़ा कम बिल्कुल ऐसे है कि कल सडाउन है, कटे कौन चल रहा है रोड रहा उन वास्ते थोड़ा घनी कम देते है, लाइट है अगर इतने का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि के राम ने बता दिया पानी की हमारे इतना दिक्कत नहीं है, लाइट भी नॉर्मल घरों में है उनकी आ रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भी कर्मों ने बताई है, स्वास्थ्य विभाग में भी बना हुआ है, लेकिन मेन मुद्दा हमारे रास्ता नहीं है, घर घर आना जाना परेशानी हो रही है, और कई बार गवर्नमेंट से सेक्शन भी रोडों का मोरडा या डामरिक नहीं मिल रहा है तो परेशानी है। बाकी ज़मीन तो लोग दे ही देगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दुर्गेश बाड़मेर से न्यू 21 ग्राम पंचायत पंडरावली पाड़।